अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। इंडस्ट्रियल रूफटॉप से बात करनी थी आज हमने। ये इंडस्ट्री का रूफटॉप है, आप देख सकते हैं, और इस पर सोलर का स्ट्रक्चर अभी लग रहा है। तो यूटिलिटी कितनी है इंडस्ट्रियल रूफटॉप पे सोलर लगाने की, क्योंकि जो सोलर के स्ट्रक्चर्स हैं, जो सोलर की स्पेस यूटिलाइजेशन है, वो तो वर्टिकली होती है, और आप जब ऊपर रूफटॉप यूज़ कर रहे होते हैं सोलर के स्ट्रक्चर के लिए, तो उसका नीचे वाले काम से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो नीचे वाले काम को डिस्टर्ब नहीं करती, और आपने नीचे वर्टिकली जो भी काम कर रहा हो आप कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो नीचे मशीन्स हैं वो चल रही हैं, नीचे जो रूफटॉप है, नीचे जो वर्क एरिया है वो सारा अनडिस्टर्बेड है, और वहाँ पर सोलर का कोई लेना देना नहीं है। नीचे आपने जितना काम करना है आप कर सकते हैं, और ये पूरी छत है, और इस छत की भी यूटिलाइजेशन ऐसे करी है कि इस छत के नीचे भी आप काम कर सकते हैं। ये देखें, ये 5 फीट 5.5-6 फीट की हाइट है, और आप इस पर जो करना चाहें आप कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री या फिर कमर्शियल एंटिटीज़ के पास है स्पेस यूटिलाइजेशन की, अनइमेजिनेबल है, क्योंकि सारी रिसोर्स ज़ाया होती हैं अगर आप सोलर के लिए ना यूटिलाइज़ करें रूफटॉप को, और अगर आप बिला वजह अपनी छत को ऐसी ज़ाया कर लें। जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो गई है, और उस कॉस्ट की वजह से बिजनेसेस की वायबिलिटी आउट हो जाती है। कल हमने कूलिंग इफेक्ट पे बात करी थी, कूलिंग इफेक्ट भी बहुत आता है। ऑफ कोर्स जब आप डबल शेड दे देते हैं, बीच में एयर का एक सैंडविच लेयर आ जाती है, तो एयर इज़ अ कन्वेक्टर, एयर कंडक्ट नहीं करता, और उस कन्वेक्शन करंट, बीच में कन्वेक्शन करंट फ्लो करता है, उसकी वजह से इंसुलेशन भी बढ़ जाती है, और आपकी जो नीचे की इस प्रेमिसेस है वो सारी ठंडी रहती है और वो कूल रहती है। तो एक कन्वेक्शन करंट भी बिल्ड हो जाता है, एक सैंडविच लेयर भी इंसुलेशन की आ जाती है, प्लस सोलर रूफटॉप पे लगा होता है, बिजली भी प्रोड्यूस करता है, और आप देखें कितना खूबसूरत सन है, कितना आइडियल सन है, और उस आइडियल सन में आपकी फ्री में बिजली बन जाती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप देखेंगे सारी स्पेस, हर इंडस्ट्री वाले ने, हर कमर्शियल एंटिटी ने, हर रेजिडेंशियल कस्टमर ने छत को ना यूटिलाइज़ करके एक फ्री की जो एनर्जी सोर्स है उसको ज़ाया किया हुआ है, और उसकी यूटिलाइजेशन से वो महरूम है। तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, और अंडरस्टैंडिंग को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए, और जो एनर्जी की कंजम्पशन है, क्योंकि वो तो किसी सही मकसद में इस्तेमाल हो रही है, जो आप बिजली यूज़ कर रहे हैं उसका बिल ही दे रहे हैं ना, तो अगर आप उसको रिप्लेस कर लें इस तरह के प्रेमिसेस को यूटिलाइज़ करके, तो बिल्कुल लाजमी बात है, करना चाहिए, इसमें कोई ना करने वाली बात नहीं है। जितनी यूटिलाइजेशन करेंगे अपने बिज़नेस की वायबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूव आप ही कर रहे होंगे, किसी और का नुकसान नहीं है। आपकी छत पर सोलर लगवाने से पड़ोसी को कोई मसला नहीं है, उसकी कोई सूरज उसकी छत पर कम पड़ना नहीं शुरू हो जाता, आपकी छत पर यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है, और अगर आपका पड़ोसी सूरज लगवाता है तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, तो आपकी छत पर कोई सूरज में कोई कमी नहीं आ जाती। आज के लिए यही था, थैंक यू।